ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। जिस आरसीईपी से भारत ने किनारा कर लिया था, उस आरसीईपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। चीन के नेतृत्व में आकार ले रहे मुक्त व्यापार संगठन आरसीईपी से भारत ने बाहर रहने का निर्णय कर लिया था, पर भारत के बाद अब जापान बाहर होने के संकेत दे रहा है। भारत की अपनी कुछ व्यापारिक चिंताएं और शर्तें थीं, पर भारत के बाद अब जापान ने भी आरसीईपी से बाहर रहने के संकेत दिए हैं। पीएम मोदी ने इसे देश हित में लिया गया फैसला बताया था। भारत का मानना था कि आरसीईपी में चीन का दबदबा रहेगा और इसमें शामिल होने से भारत के कारोबारी हित प्रभावित होंगे। जापान की ओर से कहा गया है कि वो भारत के बिना आरसीईपी में शामिल नहीं होने जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में अगले कुछ हफ्तों में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच कई कूटनीतिक बैठकें होनी हैं, जिसमें आरसीईपी के मामले में जापान अपना रुख स्पष्ट कर सकता है। चीन के इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था कि आरसीईपी में पूर्वी एशिया के ज्यादातर देश शामिल हो रहे हैं, जबकि भारत से बातचीत चल रही है। आरसीईपी डील में शामिल होने पर पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से भारत में बिना आयात शुल्क दिए विदेशी सामान भारत आ सकेंगे, जिसकी वजह से भारत में सस्ते विदेशी सामानों की खपत बढ़ सकती है, जिससे घरेलू व्यापार खासकर निर्यात प्रभावित होता, जो कि आसियान देश के साथ साल 2016 में उस वक्त हुआ था जब आसियान का चीन को होने वाला निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। इससे आसियान को 54 अरब डॉलर का घाटा होने लगा। इस बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना रहा। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के तहत चर्चा की। जाहिर है इन दोनों देशों के रिश्तों से चीन की बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि जापान न केवल आरसीईपी से किनारा कर रहा है बल्कि भारत और जापान साथ मिलकर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक साथ काम करने जा रहा है। अब जिस आरसीईपी को लेकर घमासान मचा है उसे समझ लीजिए। आरसीईपी एक मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर आसियान देश इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया ने सहमति जताई है। इस समझौते में शामिल देश एक दूसरे को व्यापार में टैक्स की कटौती समेत कई तरह के आर्थिक छूट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।